हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा टॉप 100 क्वेश्चंस बूस्टर D1, राइट। हमारे 100 क्वेश्चंस, जो टॉप 100 क्वेश्चंस, जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, आ सकते हैं, उनका आज हम सेशन कर रहे हैं। तो आज है हमारा D1 सेशन का, राइट। आज के सेशन में हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस। तो इन टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आज D1 में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चंस को डिस्कशन विद आंचल मैम ओवर हियर एट वाईफाई स्टडी स्टूडियोस, राइट। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन शुरू करने के पहले, जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, उनको मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम ANCHALSINGH, दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी हियर ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी बाय टाइपिंग माई नेम ओवर देयर, ओके, एंड हिट द फॉलो बटन। इससे क्या होगा, आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, राइट। और साथ ही क्या होगा, अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे कोड का इस्तेमाल करके आप प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियनशिप बैच चल रही है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए चैंपियनशिप बैच को। कैसे करेंगे भाई ये कोड इस्तेमाल, इस कोड को इस्तेमाल करने के लिए चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके प्लान मान लीजिए 6000 के हैं, आप यहाँ पे जैसे ही मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका आपकी फीस हो जाएगी 6000 से 5400, राइट। तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। ये रहा स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्केड्यूल वंस। 6:30 to 7 AM वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे हम जुड़ते हैं हर सुबह। हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जो कि हर मंडे टू वेडनेसडे होती है। मंडे टू फ्राइडे 11:30 to 1:30 आप मेरे साथ अनअकैडमी के सेशंस पर जुड़ सकते हैं, जहां पे स्पेशल क्लासेस होती है और ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। 2 PM to 3 PM ये भी एक यूट्यूब चैनल है, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, आप मेरे साथ यहां भी जुड़ सकते हैं। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश सेशन में जुड़ सकते हैं। जस्ट इंग्लिश के सेशंस में हम डिस्कस करते हैं जस्ट इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो सेशन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा पहला सवाल। वाओ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, दिस इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। हाउ मेनी सेंटेंसेस डू वी हैव हियर, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस आर देयर। तो आपको बताना है करेक्ट अरेंजमेंट क्या है। आइए मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ करने में। द ईगल डज नॉट स्केप द स्टॉर्म, व्हेन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ कम अपॉन अस, वी कैन राइज अबव देम बाय यूजिंग अवर माइंड्स एंड अवर बिलीफ टुवर्ड्स गॉड। डू यू नो दैट एन ईगल नोज व्हेन अ स्टॉर्म इज अप्रोचिंग लॉन्ग बिफोर इट ब्रेक्स। व्हेन द स्टॉर्म हिट्स, इट सेट्स इट्स विंग्स सो दैट द विंड विल पिक इट अप and lift it above the storm. The eagle flies to some high spot and wait for the winds to come. It instead uses the storm to lift it higher. While the storm rages below, the eagle is soaring above it. So which one of the following will be the correct arrangement? आपको 1 to 5 number question में answer करना है। सबसे पहले आप arrange कर लीजिए और उसके बाद हम questions को answer करेंगे कि किस तरह से questions lead करेंगे, right? With each of the sentence. The eagle does not escape the storm. Eagle escape नहीं करती है, जब storms आते हैं हमें, we can rise above them by using our minds and our belief towards God. Do you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks? When the storm hits, it sees its wings so that sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm. The eagle flies to some high spot and waits for the wind to come. It instead uses the storm to lift it higher. While the storm rages below, the eagle is soaring above it. Which one of the following will be the correct answer here in this question? क्या होगा सही जवाब यहाँ पे? चलिए, आई होप आप लोगों ने रीअरेंज कर लिया होगा। तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट के बाद पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ या जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट? फर्स्ट सेंटेंस ए, बी, डी, सी या एफ? ओके, आई टेल यू, अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट सेंटेंस हियर इज ऑप्शन नंबर डी, विच मीन्स सी इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट. ओके, चलिए पहला सेंटेंस ये तो हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. सेकेंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट पूछा जा रहा है. सेकेंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बाद क्या होने चाहिए? ई सी बी ए जी. आई होप आप लोगों ने रीअरेंज कर लिया होगा, तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता सकते हैं. साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. बताइए इन सेंटेंसेस में आपको क्या लगता है, कौन से सेंटेंस आपके पहले, दूसरे, तीसरे सेंटेंस बना रहे हैं? तो सेकेंड अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए? यू हैव 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. जो लोग भी सेशन में नए हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके व्हेन द क्लास बिगिन, राइट? और साथ ही आप सेशन को भी लाइक कीजिएगा. और अभी तक अगर चैंपियनशिप बैच में एनरोल नहीं कराया है, जल्दी से जाइए और एनरोल करा लीजिए. ओके, सो द सेकेंड वन इज ऑप्शन नंबर ए. द सेकेंड इन द अरेंजमेंट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज ऑप्शन नंबर विच इज ई, राइट? बाद में हम इसको रीरीड करेंगे और देखेंगे. थर्ड इन द सेंटेंस, थर्ड रीअरेंजमेंट बताना है. थर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होंगे आपके हिसाब से? आपने जो रीअरेंज किया है आपने डेफिनेटली लिखा होगा, सो बताइए थर्ड सेंटेंस क्या है आपके हिसाब से? सी जी ए बी डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड सेंटेंस इन द रीअरेंजमेंट? You have 30 seconds to answer this. It was a very, very easy arrangement. कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके अपने पूरे अरेंजमेंट का बता सकते हैं कि आपके हिसाब से पूरा अरेंजमेंट क्या है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली आंसर्स भी बता सकते हैं. एंड हियर गोज द टाइम. सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, the third sentence is option number E, which means D is the third sentence. Okay, fourth. Which one of the following is the fourth sentence after the rearrangement? A, B, C, D, E में से कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, हर ऑप्शन डिफरेंटली यहाँ पे लिखे हुए हैं. A में B है, B में D है, C में G है, D में E है और E में A है. So according to you, which one of the following is the fourth sentence? You have 30 seconds to answer this. Okay, let me tell you the answer. The correct answer of the fourth sentence is option number C. I hope आप लोगों के भी rearrangement sentences इसी तरह से बनते जा रहे हैं. Next question. Which one is the last sentence? Last sentence कौन से हैं? Very very interesting. चलिए बताइए last sentence में कौन से sentence आएंगे? And we shall together rearrange it, right? 30 seconds. Okay, the correct answer over here is option number B. B is the last sentence of the arrangement. चलिए आइए एक बार rearrange करते हैं जल्दी से और देखते हैं किस तरह से होगा ये पूरा complete rearrangement. और आप एक बार match जरूर कीजिएगा if your rearrangement is same or not. सबसे पहले C. Do you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks? Okay. The eagle flies to some high spot and wait for the winds to come. When the storm hits,
It sets its wing so that the wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring above it. Now we are left with two options. The eagle does not escape the storm. It instead uses the storm to lift it higher. Option number A will be the next, and then F, and the last will be option number B. When the storms of life come upon us, we can rise above them by using our minds and our belief towards God. This is the whole rearrangement of the following question. Okay, chali, next aage badhte hain. Question number 6. To get close to the senator, the assassin dashed his intentions, dashed many people that he was a reporter for a well-known newspaper. Harmonized predictability, peace, commotion, deceived, convincing, undermined, restive, laconic, ya fir extant. Which one of the following will be the correct answer? This is 100 booster questions. So, ye thode alag honge, thode difficult honge, aur bahut hi interesting honge. तो आपको बताना है क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट, क्वेश्चन नंबर 6. टू गेट क्लोज टू द सेनेटर द असैसिन डैश हिज इंटेंशंस. ठीक है, अपने इंटेंशंस को उसने क्या किया? हार्मोनाइज किया, पीस किया, डिसीव किया, अंडरमाइन किया, लेकोनिक किया. मेनी पीपल दैट ही वॉज अ, बहुत लोगों को, कि वो क्या है, वो एक रिपोर्टर है किसी न्यूज़पेपर से, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है. ठीक है, एक्चुअली वो नहीं है, ये कहने की कोशिश की जा रही है. तो जब कोई व्यक्ति अपनी कोई सच्चाई छुपाता है तो वो क्या करने की कोशिश करता है? आई होप यू गॉट द आंसर. यस, डेफिनेटली द असैसिन डिसीव्ड, द असैसिन डिसीव्ड हिज इंटेंशन कॉमा कन्विंसिंग मेनी, पीपल दैट ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर अ वेल नोन न्यूज पेपर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग फिलर. Next question. During the executive meeting, the marketing director continued to make dash comments about the CEO's gambling, infelicitous habit, gambling habit, obliviate, rote, gambling rote, submissive, ya fir depose, gambling depose, concise, ya fir gambling succinct, commotion, ya fir gambling caulking. जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं ना, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी. सबसे पहले कि फिलर्स तो हैं, फिलर्स के साथ ऑप्शंस भी हैं, बट यहाँ पे तुक्का मत मारिएगा. ठीक है, ये तुक्का बहुत गलत होगा आपका यहाँ पे, अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता है प्रॉपरली. सो इफ यू जेन्युइनली इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड गो एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन ओवर हियर. बिकॉज एग्जाम में आपको इतने ईजी वर्ड्स तो नहीं आएंगे कि बस पढ़ते साथ आपको आंसर मिल जाए. राइट, और वहां पे आंचल मैम भी नहीं होंगी कि पढ़ के आपको समझाएंगी और आपको आंसर समझ आ जाएगा. सो प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, गो एंड फाइंड आउट द आंसर्स टू योरसेल्फ. सो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान मार्केटिंग डायरेक्टर जो थे वो कंटिन्यू किए टू मेक डैश कॉमेंट्स अबाउट सीईओज गैम्बलिंग, टू मेक इनफेलिशियस कॉमेंट्स अबाउट CEO's gambling habit, CEO की gambling habit के बारे में. राइट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोफेसर हैड ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर न्यू थ्योरम बिकॉज हर एंडोर्ड सेक्रेटरी वुड ड्विंडल इनफ्रीक्वेंटली, हर गोज सेक्रेटरी वुड स्टिग्मेटाइज इनफ्रीक्वेंटली, हर टार्निश सेक्रेटरी वुड stipulated infrequently, her damp secretary would draws infrequently, her officious secretary would barge infrequently. Which one of the following will be the correct according to the sentence? आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से verb forms को भी देखना है और choose करना है. देखिए, dwindled infrequent हो सकता था, dwindled infrequently नहीं होगा, stigmatized ed forms नहीं होंगे, ये आपको पता है. तो ये तीन option आपके ऐसे ही eliminate हो गए. राइट, बचे हमारे पास दो ऑप्शन. सो डैम्प सेक्रेटरी क्या होता है? सेक्रेटरी तो ऑफिस में होता है ना, तो ऑफिशियस सेक्रेटरी बार्जिन फ्रीक्वेंटली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही नेवर सिग्निफाई, ही नेवर कॉन्ट्रिव, ही नेवर कंसीव, ही नेवर एक्सप्लिसिटली रिवील्ड, ही नेवर कल्यूड. तो कॉन्ट्रिव, रिवील्ड,
कंसीव रिवील्ड, सिग्निफाई रिवील्ड, या फिर एक्सप्लिसिटली रिवील्ड, या फिर कॉल्यूड रिवील्ड, ठीक है. एनीथिंग नेगेटिव अबाउट टॉम्स पास्ट, बट एट टाइम्स ही वुड ब्रिम श्रिम फलांग्स ऑब्लिक्विली सजेस्ट फ्रैगमेंट सजेस्ट दैट टॉम वॉज इनोसेंट, नॉट एज इनोसेंट एज ही सीम्ड. ओके, यहाँ पे हम आंसर कैसे सिलेक्ट करेंगे, वेरी इजी टू फाइंड आउट, आई विल टेल यू द आइडिया. यहाँ पे लिखा हुआ रिवील्ड और यहाँ पे लिखा हुआ सजेस्ट, इन दोनों जगह पे वर्ब लिखे हुए हैं, राइट. तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ऑप्शन आना चाहिए, राइट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब है, यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए दैट शुड बी अप्रोप्रिएट वर्ड, जो लग रहा है मीनिंगफुल भी लग रहा है वो है एक्सप्लिसिटली ऑब्लिक्वली सजेस्ट, राइट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये टॉप 100 क्वेश्चन है भाई, तो टॉप 100 क्वेश्चन तो टॉप लेवल के ही होंगे, है ना. आई होप आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल लग रही होगी, बट देन यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस लेवल ओनली, सो स्टार्ट डूइंग इट. द फर्स्ट डिकेड आफ्टर WWI वॉज ए कंस्टिट्यूएंट, हेल्सियन, एक्यूलेट, रेप्रोबेट, या वेरियंस पीरियड इन अमेरिका, अ वेरियंस पीरियड इन अमेरिका विथ न्यू फाउंड वेल्थ एंड रैपिडली इंट्रिपिड टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, इंसोलेंट टेक्नोलॉजी, इंट्रिपिड टेक्नोलॉजी, थ्रिफ्टी टेक्नोलॉजी. सो अगर इंट्रिपिड इंट्रिपिड होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, रेप्रोबेट भी हो सकता है, विच मीन्स यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, लॉजिकली एलिमिनेट हो जाएंगे. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद थ्री ऑप्शन. तो थ्रिफ्टी टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, या इंसोलेंट टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्लैमर का सिमिलर मीनिंग, क्लैमर की सिमिलर मीनिंग बतानी है, एसुएज, अफर्म, साइलेंस, या फिर ट्यूमुल्ट. क्लैमर, क्लैमर की सिमिलर मीनिंग बतानी है आपको. क्लैमर का मतलब क्या होगा, क्लैमर का मतलब होता है लाउड एंड नॉइज, लाउड एंड वेरी हार्श नॉइज बोल सकते हैं. सो सिमिलर मीनिंग क्या होगी यहाँ पे क्लैमर की. If you don't know the meanings of the options of the word clamor, please find it out. Write it in your copy, write it in your notebook, and find it out later. Okay, it's very, very important. The correct answer to this question is tumult. Next, reassert. Assert karna, reassert karna. Disclose kar dena, abdicate karna, germane karna, ya fir legitimate karna. Which one of the following is the similar meaning of the word reassert? I hope you already have an idea which one of the following will be the correct answer. Reassert karna, assert karna yani kya? Not hidden, not secretive. So disclose karna, reassert karna is the correct answer. Pertinent, pertinent ka matlab kya hota hai? Pertinent ka matlab irrelevant hoga, germane hoga, oppose hoga, ya fir shriek hoga. You have to tell the correct meaning of the word pertinent. Pertinent का मतलब basically होता है relevant होना, ठीक है, किसी particular matter में approachable होना, ठीक है. Which one of the following will be the correct word of, correct meaning of pertinent? The correct meaning of pertinent will be germane. This will be the correct answer. These are very important words. Please, please, please note them and find out the meaning. Make few sentences and learn these words. ओके, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड्योर, एंड्योर की सिमिलर मीनिंग क्या होती है, एंड्योर करना, आई एम एंड्योरिंग हर, लिटरली आई एम एंड्योरिंग हर, लिटरली आई एम एंड्योरिंग हर, एडवांस करना, फोरफीट करना, टॉलरेट करना, ब्रिंग करना. मेरे सेंटेंस से और मेरे एक्सप्रेशन से समझ आ ही गया होगा आपको, द करेक्ट आंसर इज टॉलरेट करना, एंड्योर करना यानी टॉलरेट करना. अब आपको बताना है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पोजिट, फैसिशियल, Farcical, sorry, catalog, hypothesize, या फिर delusion. Which one of the following will be the correct answer of posit?
पार्सिकल, कैटलॉग, हाइपोथेसाइज, डिवीजन, क्या होगा सही जवाब? Which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be hypothesize karna, posit karna. Okay? Chaliye, ab to aapko opposite batana hai. Opposite of the auger. Auger ka opposite kya hoga? Harbinger, herald, contra, indicate, risible. Okay? So I'll tell you the meaning of auger. Auger ka matlab hota hai indicate karna. इंडिकेट करना, समझ आएगी अब आप लोगों को? द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेट, इंडिकेट ना करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना. ओके, सो ऑगर मींस टू कॉन्ट्राडिक्ट, सॉरी टू इंडिकेट. ओके, क्लिंग, क्लिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लिंग वर्ड का मतलब होता है आई एम क्लिंग्ड टू हर, आई एम अटैच्ड टू हर. सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड? डेफिनेटली नॉट फ्लीट, नॉट एम्ब्रेस, नॉट पास्ट इन, डिटैच. ओके, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट हो जाना, अबव एनीथिंग, है ना, मतलब इन चीजों से, टू वर्ल्डली मटेरियल से, वर्ल्डली चीजों से ऊपर उठ जाना. इमानेंट, टेम्पोरल, एफिमेरल या एफिनिटी. सो द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ट्रांजिएंट हियर विल बी इमानेंट. इमानेंट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांजिएंट. ओके, कॉबल, कॉबल का मतलब क्या होता है? कॉबल का मतलब होता है टू मेक. कॉबलर क्या करता है? कॉबलर क्या करता है? कॉबलर आपकी फटी फटी चीजों को या फिर कहीं खराब चीजों को बेटर कर देता है ना. वो जूते सिलता है, तो क्यों सिलता है? क्योंकि आपके जूते फट गए हैं, तो वो सिलता है, तो वो कॉबल कर रहा है, वो मेंड कर रहा है, वो मेक कर रहा है. ठीक है, सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, सिंथेसाइज, कंप्लीट या डिस्ट्रॉय. डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी To destroy. Next, aloof का मतलब क्या होता है? Aloof का मतलब होता है अकेला, to be alone. Antisocial, antisocial होना. Opposite, unresponsive, familiar, indifferent या collapse. Yes, the correct answer will be familiar होना. ठीक है, social होना, socially active होना will be the correct answer of the following question. आगे बढ़ते हैं. टूल इन द हैंड्स ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम और द फ्रेज टूल इन द हैंड्स ऑफ? टू डू फिजिकल वर्क, टू एक्सप्लॉइट समथिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर या फिर टू टेक रिवेंज. आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फ्रेज. टूल इन द हैंड्स ऑफ. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, साथ ही हमारे साथ बने रहें इस सेशन में हर दिन 6:30 to 7 PM वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे बने रहें फॉर मेनी अदर्स सेशंस, मेनी अदर सेशंस. ओके, चलिए, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. टूल्स इन द हैंड्स ऑफ, मेरे हाथ में टूल है, राइट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. सो हु इज द अथॉरिटी हियर? आई एम द अथॉरिटी हियर. अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर, किसी और की अथॉरिटी के अंडर. Right. Next question. Throw mud at, to threaten someone, to make a low opinion of someone, to give an open challenge to scold someone in public. Which one of the following will be the correct answer? To threaten someone, किसी को threaten कर देना, किसी के बारे में low opinion रखना, किसी को open challenge देना या फिर किसी को डांट देना. Which one of the following will be the correct answer? किसी पे कीचड़ उछालना, definitely किसी पे कीचड़ उछालने का मतलब क्या होता है? To make a low opinion of someone, किसी के बारे में low opinion रखना. Okay, next, think lightly, to think after refreshing oneself, not to be serious about a thing, to enjoy, to banter. Lightly, हर चीज को lightly जो लोग लेते हैं वो लोग क्या होते हैं? थोड़े careless होते हैं, unresponsive होते हैं, irresponsible होते हैं. तो basically वो क्या करते हैं? वो कोई भी चीज को seriously नहीं लेते हैं. Not to be serious about a thing, किसी भी बारे में serious नहीं होना is think lightly. Sheet anchor, sheet anchor का मतलब क्या होता है? Dominant person, एक dominant व्यक्ति, a person who cannot be trusted,
अ क्रेडुलस पर्सन, बहुत ही बिलीव करने लायक पर्सन, अ पर्सन टू बी रिलाइड अपॉन ड्यूरिंग इमरजेंसी, शीट एंकर. अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली मीनिंग पता होगी, बट अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए और ध्यान में रखिए और याद रखिएगा इस सेंटेंस, इस वर्ड, इस idiom, इस फ्रेज की मीनिंग. द करेक्ट आंसर टू शीट एंकर विल बी अ पर्सन टू बी रिलाइड अपॉन ड्यूरिंग इमरजेंसी. आई होप आपको टॉप रेलेवेंट क्वेश्चन के टॉप लेवल का अंदाजा लग रहा होगा, बिकॉज बहुत ही हटके क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली. सो प्लीज प्लीज प्रिपेयर फ्रॉम दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन. जो बिगनर्स है उनके लिए नहीं, लेकिन आप अगर पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या कर चुके हैं, सो अपग्रेड योरसेल्फ एंड कम अबव द कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. द फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? द प्रेसिडेंट्स हाउस, द रॉयल पैलेस, द न्यूज पेपर, द प्रेस. किसे कहा जाता है फोर्थ स्टेट? Fourth state, very very interesting, very very interesting. Fourth state हम किसे कहते हैं? President के घर को, royal palace को, newspaper को या फिर press को? Okay, so the correct answer to this question is the press, the media. उसे कहते हैं हम fourth state. Okay, ध्यान रखिए इन words का, इन meanings का, इन चीजों का. एंड आई होप आप लोगों ने जितने भी वर्ड्स आज मैंने डिस्कस किए फिलर्स में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में, आपने उन सभी वर्ड्स को नोट कर लिया होगा, और नोट करके आप डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे उन क्वेश्चंस को, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दे आर वेरी अपडेटेड वर्ड्स. तो उनका यूसेज, उनकी मीनिंग आपको पता होनी बहुत जरूरी है, तभी आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे एग्जाम में, राइट? सो दिस वॉज ऑल फॉर टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 बूस्टर क्वेश्चंस चल रहे हैं, बूस्टर क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, और आज हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 टू 25, कल के सेशन में हम करेंगे 26 टू 50, राइट? बी रेडी, टाइटन योर बेल्ट्स, रोल अप योर स्लीव्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल क्वेश्चन फ्रॉम 26 टू 50. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू पीपल ओवर हियर. Do like, share and subscribe the channel so that you get the notifications of all the classes which are going live, and also like the session. Till then, take care, goodbye, have a good day.